मैं नीता मेहता आज सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरा मन दही भल्ले खाने को कर रहा है, तो मैंने सोचा आज आपको दही भल्ले ही बनाना सिखा देती हूँ। दही भल्ले बनाने के लिए आधा कप धुली मूंग दाल, 1/4 कप धुली उड़द की दाल, आधा चम्मच बारीक कटी अदरक, आधा चम्मच जीरा, 2 कप दही, थोड़ा सा काला नमक, भुना जीरा और लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी, चटनी बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच अमचूर, 1 बड़ा चम्मच चीनी, लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार, दही भल्लों पर छिड़कने के लिए नीता मेहता चाट मसाला। तो चलिए इसके लिए क्या करना है, दाल भिगोनी है रात में। नॉर्मली जब हम बाज़ार से दही भल्ले लेते हैं या खाते हैं, थोड़े से हैवी लगते हैं क्योंकि वो सिर्फ उड़द की दाल के बनाते हैं। तो मैं उड़द की दाल के साथ साथ मूंग धुली भी डाल देती हूँ, जिससे वो मच लाइटर होते हैं और रोज़ के खाने के लिए आपको ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो आपको ना गैस की प्रॉब्लम देंगे ना आपको भारीपन लगेगा खाने के बाद। तो चलिए देखिए कैसे बनते हैं ये हल्के और मच लाइटर दही भल्ले बाज़ार से। इसके लिए मैंने दाल भिगो दी है, 1 कप, अगर आप दाल मूंग की ले रहे हैं तो आधा कप धुली उड़द की, मतलब 1:2 के रेशियो में आपने लेनी है। तो मैंने आधा कप मूंग धुली दाल ली है और साथ में ही मैं ले रही हूँ 1/4 कप उड़द की दाल। तो इसे हमने भिगो कर पीसना है, कम से कम पानी के साथ पीसिए, तो ऐसे आप उठाइए जिससे पानी आपका नीचे रह जाए। अगर ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे, पर कोशिश करिए कम से कम पानी का इस्तेमाल हो। दाल भी थोड़ी थोड़ी करके पीसिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। एक साथ पीसने में बहुत कई बार पेस्टी सी हो जाती है और ऊपर से पिस जाती है और नीचे से वो मोटी रह जाती है, तो थोड़ी थोड़ी करके दाल पीसेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए पानी की बिल्कुल मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी ये दाल पीसने में, और अच्छी गाढ़ी है और दरदरी सी पीसी है, बहुत बारीक पेस्टी नहीं करनी है आपने। दाल हमने पीस ली है और अब हम तेल चढ़ा देते हैं, तेल गरम कर लेते हैं। पर दाल के ऐसे ही भल्ले नहीं बनेंगे, दाल को आपको खूब अच्छी तरह से फेंटना पड़ेगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो उससे फेंट लें, नहीं तो हाथ से भी फेंट सकते हैं। और फेंटते हुए 2-4 बूंदे पानी की आप डालिए, ज़्यादा नहीं क्योंकि पतला हो जाएगा, तो थोड़ा सा पानी और फिर फेंटेंगे, क्योंकि पीसते समय तो हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, फेंटते हुए थोड़ा थोड़ा पानी। जितना फेंटेंगे उतना अच्छा है, पर जितना फेंटेंगे का मतलब नहीं है कि आप बहुत देर तक लगे रहें, 4-5 मिनट इसे फेंट लीजिए। थोड़ा सा जो इसका कलर है वो थोड़ा लाइटर हो जाता है जो पीठी का है, और साथ में ये थोड़ी फूली फूली लगने लग जाती है। ऐसे करने से कई बार हाथ दर्द हो जाते हैं, इसलिए आजकल के ज़माने में इलेक्ट्रिक बीटर का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पर ये तो थोड़ी सी ही दाल है तो हाथ से ही फिट जाएगी, खूब अच्छे से इसको ऐसे फेंट लीजिए। अब ये देखिए फूली हुई लग रही है, फ्रॉदी लग रही है, अब इसे हम तेल में तल लेते हैं। दाल अच्छे से फिट चुकी है, अब इसे हाथ को थोड़ा गीला कर लीजिए ताकि जो आपके दही भल्ले हैं वो आराम से तेल में गिरें, और ऐसे छोटे छोटे गोलियाँ बना के आप तेल में डाल दीजिए। पहले तेल थोड़ा सा गर्म होगा, फिर आप उसके टेम्परेचर कम कर दीजिए। ये ऐसे हाथ बार बार पानी में डिप कर लीजिए, जिससे आपके आसानी से आपके जो भल्ले हैं वो तेल में गिर जाएंगे।
एक बार में जितनी कढ़ाई में आ जाए आप डाल सकते हैं। बस थोड़ी सी जगह रहे ताकि वो हिल सकें, पलट सके हम इन्हें, बस इससे ज़्यादा और कढ़ाई में ना डालें। अभी तेल थोड़ा सा गरम पे रखा है, एक बार जब ये फूल जाते हैं तब आप आंच धीमी कर दीजिए। पहले थोड़ा इन्हें फूल लेने दीजिए, क्योंकि अगर आप एकदम से आंच धीमी कर देंगे तो ये फ्लफी नहीं होंगे। सो लेट देम बिकम नाइस राउंड बॉल्स एंड देन रिड्यूस द हीट। अब देखिए, अब मैं ज़रा सा इसको पलट देती हूँ, हाथ लगा देती हूँ और अब मैं आंच धीमी कर दूंगी। बस अब धीमी कर दी मैंने, अब धीमी धीमी आंच पर ये 4-5 मिनट तेल में रहेंगे और लाइट गोल्डन कलर के हो जाएंगे। जितनी देर ये तले जा रहे हैं उतनी देर हम दही बना लेते हैं इसकी। दही बनाने के लिए आप दही को फेंट लीजिए अच्छी तरह से, बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए आपकी दही। अगर बहुत गाढ़ी है तो थोड़ा सा दूध या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बाजार में तो जो दही बल्ले बेचते हैं वो लोग क्रीम भी मिला देते हैं। दही को फेंट लीजिए, थोड़ा सा ये बर्तन छोटा है तो मैं बड़े बर्तन में पलट लेती हूँ इसे। और थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है दही मुझे, तो इसमें दूध या पानी जरा सा डाल दीजिए। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई चीनी। दही बड़ों की दही जो है वो मीठी होती है, तो इसमें एक चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी डाल दीजिए। देख लीजिए आपकी दही कितनी खट्टी है। थोड़ा नमक, भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा अबाउट 1/4 टीस्पून ऑफ काला नमक भी आप डाल सकते हैं। अगर कोई ऐसी गांठ है बीच में तो ज़रा ध्यान रखें वो ना डालें। अब इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए दही को। चलिए अब दही बड़े जो हमारे भल्ले हैं इन्हें भी देख लेते हैं। ये भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। दही भी तैयार है, अब रह गया है चटनी का काम, वो भी इसके बाद कर लेते हैं। तो ये आप अपने भल्ले निकाल लीजिए। अब ये भल्ले भी बन गए हैं, अब चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि अमचूर से हम चटनी बनाएंगे। कई बार इमली के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, भिगोना पड़ता है, उसका गूदा निकालना पड़ता है, तो आप अमचूर से कैसे क्विक चटनी बनाते हैं ये देखिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, अमचूर पाउडर ले लेंगे। अमचूर पाउडर में आप डालेंगे चीनी, जितना अमचूर है उससे डबल चीनी डलती है। और पानी इसका लिक्विड जो होगा वो पानी का इस्तेमाल करेंगे। सारी गांठें तोड़ लीजिए इसकी। चटनी में आप क्या क्या डालेंगे, थोड़ा सा नमक तो बहुत ज़रूरी है, नमक और साथ में काला नमक भी, लाल मिर्च भी चाहिए थोड़ी सी, थोड़ा सा भुना जीरा भी चाहिए। अगर आप डालना चाहते हैं तो इसके अंदर सौंठ पाउडर भी डाल सकते हैं, आप पुदीने का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये तो एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग्स हो गई, ये बेसिक चटनी मैं बना रही हूँ। ये बनाकर आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और जब मन किया झटपट आप कुछ भी चाट की चीज़ बनाकर साथ में सर्व कर सकते हैं। एक उबाला आ जाए उसके बाद आंच धीमी करके थोड़ी देर 4-5 मिनट धीमी आंच पर पकने दीजिए ताकि अमचूर चीनी सब अच्छे से मिल जाए। अब मैं आंच धीमी कर देती हूँ। अब अच्छा रोलिंग बॉयल आ गया इसमें, बन गई ना इमली की चटनी झटपट, है तो अमचूर की पर लगती बिल्कुल इमली के जैसे ही है। थोड़ा सा कुक करिए ताकि आपके स्पून को कोट करने लगे।
आप इसकी मिठास चेक कर सकते हैं, क्योंकि अमचूर भी अलग अलग होता है, कई बार ज़्यादा खट्टा होता है तो चीनी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ जाती है। तो थोड़ा सा इसे टेस्ट कर लीजिए, ताकि आप इसमें नमक, चीनी, काला नमक, भुना जीरा अपने स्वाद अनुसार डाल सकें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आम तौर पे जो चीनी है वो अमचूर के डबल पड़ती है, और मैंने ऐसे ही डाली थी। चलिए ये भी तैयार है, इसे हम बंद कर देते हैं, थोड़ा सा ठंडा करेंगे इस्तेमाल करने से पहले। और अगर आप बनाकर फ्रिज में रखना चाहती हैं तो भी इसे ठंडा करके और फिर फ्रिज में रखिए। तो अब दही बड़ों का आगे का काम देख लेते हैं। हमने ये दही भल्ले बना के रखे हैं, और आप अच्छा उबलता हुआ पानी एक बोल में ले लीजिए या किसी पतीले में ले लीजिए, और उसमें डाल दीजिए नमक। हमने, अगर आपको याद होगा, जब दही बड़े बनाए थे, ये भल्ले बनाए थे, तो इसमें नमक नहीं डाला था। तो ज़रा पानी में खुले दिल से नमक डाल दीजिए और मिला लीजिए। और इसमें जो आपने तले हुए हैं ये भल्ले, पानी में भिगो दीजिए। ज़्यादा देर नहीं भिगोते हैं, पर कम भी नहीं, 2-3 मिनट इन्हें पानी में छोड़ दीजिए। एक दो बार पलट देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से पानी पी लें। मैं तो कई बार इसे ढक भी देती हूँ, जिससे वो गर्म रहें और थोड़ा सा नरम हो जाए। ये दही बड़े पानी में डाले हुए थे, 3-4 मिनट हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लीजिए पानी से निकाल कर, और फिर इन्हें हल्का सा निचोड़ कर ये जो दही हमने बनाई हुई थी दही में डाल दीजिए। चलिए इस तरह से आप इसे दही में डाल लीजिए। और अगर आपको स्ट्रीट फूड वाला टेस्ट और लुक देना है तो दोने मिल जाते हैं बाज़ार में, आप दोनों में ले लीजिए। ये दो दो दही बड़े आपने डाल दिए इसमें, थोड़ी दही डालिए ऊपर, दही ज़रा खुले दिल से, और उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए नीता मेहता चाट मसाला। जो मैंने दही में पुदीना वगैरह नहीं डाला है, तो उसके जो पुदीने का फ्लेवर है इस चाट मसाले से आ जाएगा। और ये मीठी चटनी आपको याद है हमने अमचूर से बनाई थी, तो ये अमचूर वाली मीठी चटनी, आप चटनी अलग से भी सर्व कर दीजिए साथ में, और थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये हमारे दही बड़े तैयार, और कितनी जल्दी बन गए और हल्के भी होंगे, क्योंकि इसमें मूंग की दाल है।